Dear students, what is the meaning of pyrolysis? इसमें दो पार्ट है. पहला pyro, Greek word means heat. दूसरा lysis, Greek word once again means breaking or decomposition. तो यहाँ पे हम alkanes को heat करेंगे to high temperature. But in absence of air, condition maintain करना जरूरी है. In absence of air. अब यहाँ products कौन से बनेंगे? Let us see with the help of examples. तो पहले हम लेते हैं इथेन C2H6. इसे हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Cr2O3 एंड Al2O3. टेम्परेचर 700 केल्विन टू 800 केल्विन रहता है. प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इथेन इज फॉर्मड हियर. Now what is happened in this decomposition? देखो जरा. तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन. CH फीजन हम इसे लिखेंगे. फीजन मतलब ब्रेक होना. कौन से बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओनली ब्रोकन हियर, क्योंकि हाइड्रोजन इज द बॉन्ड हियर. ठीक है, अब ये इथेन का ब्रेकिंग हो गया. इथेन और हाइड्रोजन यहाँ बन गया. नेक्स्ट C3H8 नेम प्रोपेन हीट करेंगे. दो प्रकार के प्रोडक्ट्स यहां पता चलेंगे. पहला रहेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 तीन कार्बन प्रोप डबल बॉन्ड ENE प्लस H2. अब यहां कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? कार्बन कार्बन नहीं, कार्बन हाइड्रोजन CH फ्यूजन. देन सेकंड प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH4. दिस इज इथेन एंड इथेन सॉरी एंड दिस इज मीथेन. अब ये दो प्रोडक्ट बनते इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? C बॉन्ड इज ब्रोकन हियर. देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड फीचर हम इसे कहेंगे, विच इज जनरली कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका और एल्यूमिना कैटलिस्ट. जब CH बॉन्ड ब्रेक होता है तो जनरली कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम और वैनेडियम और मोलिब्डेनम. जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस समय जनरली कैटलिस्ट रहते हैं सिलिका और एल्यूमिना. एक और एग्जांपल हम लेंगे C6H14 हेक्सेन. पहला जो प्रोडक्ट रहेगा, अब यहाँ टेम्परेचर 773 केल्विन हम यूज करेंगे. फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा C6H12 प्लस H2, ये बन गया हेक्सीन. दूसरा प्रोडक्ट बनेगा C4H8 प्लस, इसको हम कहते हैं ब्यूटीन. ठीक, अब 6 माइनस 4 कितना होगा? 2, C2 रहेगा. 14 माइनस 8 कितना रहेगा? 6 रहेगा. दिस इज इथेन. ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट बना यहाँ कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? CH फ्यूजन हम कहेंगे. हाइड्रोजन इज लिबरेटेड हियर. यहाँ दो कंपाउंड्स में सेपरेट हो गया इसलिए इसे CC फ्यूजन कहना. और एक और प्रोडक्ट या थर्ड टाइप का प्रोडक्ट होगा या थर्ड टाइप का फ्यूजन होगा यहाँ पे कौन सा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस एक और प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? तो ये 3 कार्बन हो गए, 2 5 और 1 बचा 6 कार्बन. ठीक है, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 6 प्लस 4 10 और यहाँ बचेगा 4 मीथेन. तो यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बन गया? प्रोपीन. ये रहेगा इथीन और ये रहेगा मीथेन. यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो गया है? कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ब्रोकन हियर. ठीक है ना, तो देखिए ये जो अल्केन्स को हम हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर प्रोडक्ट्स कौन से मिलते हैं? लोअर अल्केन्स. सी लोअर अल्केन्स आर फॉर्मड हियर. देन अल्केन अल्केन फॉर्मड हियर अलोंग विद हाइड्रोजन. दिस प्रोसेस इज नोन एज पाइरोलाइसिस और क्रैकिंग of alkanes. Therefore, thermal decomposition of alkanes in absence of air to form lower alkenes,
alkanes and hydrogen is known as pyrolysis or cracking. Of alkanes. Thank you.